दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने सभी फोन कॉन्टैक्ट्स को जीमेल पर सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने स्मार्टफोन में कॉन्टैक्ट्स ऐप को ओपन कर लेंगे। उसके बाद जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सभी शो होने लगेंगे और आप यहां पर देखेंगे बिल्कुल ऊपर आपको राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखेंगे। तो इन 3 डॉट्स पर टाइप करेंगे। यहाँ पर टाइप करते ही आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेटिंग्स के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन शो होगा। तो यहां से कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर आपको एक्सपोर्ट टू डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा और यहां पर फिर आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा। तो यहां पर ओके कर देंगे। फिर उसके बाद आपके सभी कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद माई फाइल्स को ओपन करके यहां पर हम डिवाइस स्टोरेज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर हम देखेंगे तो हमें यहां पर contact.bcf करके फाइल एक दिखाई देगी। इस फाइल की हमें जरूरत पड़ेगी जब सभी कॉन्टैक्ट्स को हम अपने जीमेल पर रखेंगे। उसके बाद हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहां पर www.google.com लिख करके गूगल के पेज पे चले जाएंगे। यहां पर मैंने पहले से ही अपने अकाउंट से साइन इन किया हुआ है। अगर आप साइन इन नहीं किए हुए तो पहले साइन इन कर लेंगे अपने गूगल अकाउंट से, जीमेल के अकाउंट से। उसके बाद यहां पर टाइप करेंगे। यहां पर टाइप करते ही आपको यहां पर कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन पर टाइप करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर गॉट इट कर देंगे और गॉट इट करने के बाद यहां पर आप देखेंगे तो इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पर टाइप करेंगे। इस पर टाइप करते ही कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन पे टाइप करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते ही कुछ इस तरह से ओपन होकर के आएगा। तो यहां बिल्कुल राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पे टाइप करेंगे और 3 डॉट्स पे टाइप करने के बाद यहां पर शो एसडी कार्ड या इंटरनल स्टोरेज जो भी ऑप्शन आपको यहां पर दिखेगा उस पर टाइप करके उसे शो करेंगे। यहां पर मैंने शो एसडी कार्ड कर दिया। बाद में यहां पर आप देखेंगे दूसरी साइड में लेफ्ट साइड में तो आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही होंगी। तो इन 3 लाइंस पे टाइप करेंगे। इन 3 लाइंस पे टाइप करते ही आपको कुछ इस तरह से मेनू दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई देगा। इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन को यहां से सेलेक्ट करके आप अपने उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं contacts.bcf फाइल है, इस पर मैं टाइप करके इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। बाद में यहां पर मुझे कुछ इस तरह से मेरे फाइल का नाम दिखाई देगा और नीचे इंपोर्ट का ऑप्शन होगा। तो इस इंपोर्ट के ऑप्शन पर टाइप कर देंगे। इंपोर्ट के ऑप्शन पर टाइप करते ही मेरे सभी कॉन्टैक्ट्स इस फाइल में जो भी हैं वो यहां जीमेल पर ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।